नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है, और लगातार मैंने कल भी इस बारे में वीडियो बनाया था कि आपके एनवीएस के जो फॉर्म चल रहे हैं वो 30 तारीख यानी कि आज की डेट अंतिम डेट थी। और फिर मेरे वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे लगातार अपनी परेशानी जाहिर किए थे, उससे संबंधित कहीं ना कहीं जो हमारी टीम ने एनवीएस को कॉल भी किया, मेल भी लिखा, और त्वरित रूप से एनवीएस ने इस पे बहुत तेजी से प्रक्रिया भी की। इसके लिए मैं एनवीएस को भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि बच्चों के हित में उन्होंने ये कदम उठाया। और ये खुशखबरी जो आपके लिए है वो है, आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसे बढ़ा दी गई है, और वो जो डेट है आपकी अभी तक 30 तारीख, देखिए आज ही की नोटिस है, अभी अभी की नोटिस है, और इस नोटिस में ये था कि अभी तक जो आपका डेट था वो 30/4/2024 था, लेकिन अब 30/4/2024 से बढ़ा के कब तक दिया गया है, 7/5/2024, मतलब कि एक सप्ताह का आपको समय और दे दिया गया है। लगातार बच्चे बोल रहे थे कि सर ये जो साइट है ये तो पिछले 3-4 दिन से मैं 26 तारीख से लगातार ट्राई कर रहा हूं, उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, सर ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि बच्चों मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि अंतिम टाइम के लिए मत रखा करिए, कोई भी एग्जाम होता है उसकी जो फॉर्म फिलिंग की साइट होती है वो लास्ट के वीक में या लास्ट के 3-4 दिन बहुत बिजी हो जाती है, जिससे लाखों बच्चे वंचित रह जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग ऐसा मत किया करिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं एनवीएस ने ये बात सुनी है तो उसको धन्यवाद बनता है, मैं भी दे रहा हूं, आप लोग भी धन्यवाद जरूर करिए यहां पे। हालांकि एक चीज बहुत गंदी है, ये फीस बहुत ज्यादा रखे हैं, इसके बारे में मैं क्या ही टिप्पणी करूं, आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे। और ये जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट नोटिस वाली, और इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई थी। इसमें बच्चों के अगर आप कमेंट देखोगे तो लगातार इन कमेंट ने कहीं ना कहीं मुझे लगातार बार बार कॉल करने को और उन्हें मेल करने को विवश कर दिया। सर्वर डाउन चल रहा है सर, साइट 3 दिन से नहीं खुल रही है, सर्वर डाउन चल रहा है सर जी, एनवीएस सिलेबस रिलीज कर दिया, ये तमाम ऐसे जो क्वेश्चन है, 26 तारीख से ही एनवीएस की साइट नहीं चल रही है, ये बहुत सारे क्वेरीज केवल साइट ना चलने के लिए थे जिनके चलते सर साइट नहीं चल रही है, हमें ये कदम उठाना पड़ा। और मैं ये बोलूं कि हमारे कदम से या एनवीएस ने ऐसा खुद से किया है, जो भी तरीके से हुआ हो मैं बस इतना बोलूंगा कि एक सप्ताह का समय दिया है और ये बहुत बढ़िया कदम है आपके लिए। हालांकि सारी संस्थाएं करती हैं तो कहीं ना कहीं एनबीएस को भी ये करना था, अगर साइट पिछले 3-4 दिन से स्लो हो गई थी तो उन्हें बढ़ाना था। लेकिन एक चीज समझिएगा कि जो आपकी कट ऑफ की डेट है, जो तमाम चीजें, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो आपके मार्कशीट वगैरह हैं, उसकी कट ऑफ डेट 30/4 पहले भी मानी गई थी और अभी भी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ATC, इसकी कट ऑफ डेट अभी भी 30/4/2024 ही है। तो ये बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। बाकी जो बच्चे अभी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, टीम परीक्षा प्लस बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यहाँ पे कोर्स संचालित कर रही है, जो आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप जाओगे तो एनवीएस लैब अटेंडेंट का भी और एनवीएस जीएसए का भी आपका क्या चल रहा है, बैच चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हो। मात्र 699 में, आप खुद सोचो 1000 रुपए तो फीस है, और हम लोग 699 में आपको आपके एग्जाम तक सारी चीजें पढ़ाने का पूरा जो एक बोल सकते हो कि जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी टीम, पूरी मेहनत, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, इसलिए अभी भी आप इसमें जुड़ सकते हो। जिन बच्चों की कोर क्लासेस छूट गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उस चीज को देख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये तमाम वो चीजें हैं, जैसे कि ये डेट था पहले 30/4 था, अभी ये डेट क्या हो गई है, अभी ये डेट जो बढ़के हो गई है, ये 7 मई हो गई है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम डेट में अभी भी बोलूंगा कि आपका जुलाई जून महीना मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इससे एग्जाम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनबीएस की सारी तैयारियां पहले से रहती हैं तो आप लोग इस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहना। ये दोनों वो जो बैचेस हैं, इसके साथ साथ आपकी EMRS की भी तैयारी हो जाएगी। और ये वो जो किताबें आपको मिल रही, बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या ये किताब फ्री में मिलेगी, बच्चों ये किताब जो है ये फुल्ली किताब है, आपको PDF फॉर्म में है, आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही है, ये PDF फॉर्म में, इसे आप प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंटेबल है, प्रिंट करा के स्पाइरल बाइंडिंग कराओगे तो आपकी एकदम किताब की तरह ही लगेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये JSA का सिलेबस है, आपका एक बार ध्यान दीजिएगा, एनवीएस अभी सिलेबस रिलीज नहीं किया है, बट एनवीएस EMRS का सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, केवल लैब अटेंडेंट में, EMRS में थोड़ा लैब मैनुअल ज्यादा पूछता है, बट यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो लैब मैनुअल क्वेश्चन ना के बराबर है, बट क्योंकि EMRS में पूछे गए हैं इसलिए हम लोग लास्ट टाइम में लैब मैनुअल के भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कम से कम 10% उसमें मेहनत कर लिया जाएगा कि पूछ लिया जाए तो हम लोग उसे कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो हमें बहुत एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ये आपका जो पैटर्न है किसका, ये आपका लैब अटेंडेंट का है, 60 क्वेश्चन साइंस का पूछेगा, 15 रीजनिंग, 15 जनरल अवेयरनेस, 30 आपका लैंग्वेज कंपटीशन, जिसमें आपका 15 इंग्लिश और 15 आपका इसमें पूछा जाएगा हिंदी का, ये ध्यान दीजिएगा।
ये आपका क्या है, ये आपकी वैकेंसीज है जीएससी की, 161 पद आपकी किसमें है, लैब अटेंडेंट में है, और ये आपका लैब अटेंडेंट, ये आपका जीएससी का एग्जाम पैटर्न है, इसे दिमाग में रखिएगा। इन सबको कवर करा रही होगी हमारी ये टीम, जिसमें आपको साइंस लैब मैनुअल जो आपकी थ्योरी जो आपका एमसीक्यू पार्ट है वो मैं कवर करा रहा हूँ, लैब मैनुअल का भी पार्ट थोड़ा बहुत मैं कवर कराऊंगा लास्ट टाइम में। जीएससी में मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, आशीष सर आपको रीजनिंग और आईसीटी पढ़ा रहे हैं, रमन सर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं, सर्वेश सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अरुण सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, नवीन सर आपको कोर जो आपकी साइंस है वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे कवर करते हुए ले चल रहे हैं, बहुत बेमिसाल पढ़ाते हैं। ये आपका वो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आप नोट कर सकते हो, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हिंदी की क्लासेस आपकी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आपकी समाप्त भी हो जाएंगी। ऐसे ही एनबीएस का टाइम टेबल, ये भी आपका जो जीएससी का, इसमें भी हिंदी लगभग समाप्त हो चुकी है, तो ये आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो कोर्स से अभी जुड़ सकते हैं। ये आप वहां पे जाएंगे तो तमाम चीजें मिलेंगी, होम में जाएंगे तो यहाँ पे पेड कोर्सेस आएगा, पेड कोर्सेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप एनबीएस लैब अटेंडेंट या बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट का मांगेगा, पेमेंट करने के बाद जब आप आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, माई कोर्सेस सेक्शन में, यहाँ पे माई कोर्सेस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, और कोर्स ओपन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पे लाइव टेस्ट रिकॉर्डेड, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड सेक्शन में आपकी सारी ही क्लासेस, वो चाहे जैसे की हो या फिर चाहे लैब अटेंडेंट की हो, दोनों अलग अलग आपको मिलेंगी, और ये आपको वो डेमो पीडीएफ भी दिया गया है ताकि आप इसे अच्छे से देख सको। तो उम्मीद है कि ये जो आपके नोटिस आई है, ये न्यूज आई है, ये थोड़ा सा राहत की सांस है कि भाई चलो एक सप्ताह का समय और मिल गया। अब एक सप्ताह का समय मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग फिर से 6 तारीख को फॉर्म भरो, फॉर्म भर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे एक महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट उन्हें पिछड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कंपटीशन के दौर में जब कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो आपको एक एक पद के लिए कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत सिंसियर रहना पड़ता है, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।